नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम काउंटिंग टेक्निक्स सीखेंगे। आइए यह देखते हैं कि इस लेक्चर में आप क्या क्या सीखेंगे। काउंटिंग के सामान्य सम तथा प्रोडक्ट टूल आप सीखेंगे। परम्यूटेशन क्या है, कैसे परम्यूटेशंस कैलकुलेट करते हैं, यह आप सीखेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे आप कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यह सीखेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, कैसे इसे काउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सीखेंगे। अंत में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन देखेंगे, जो कि हम सेट थ्योरी के लेक्चर में भी देख चुके हैं। आइए सम रूल को समझने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। बिल्डिंग ए में 7 कमरे तथा बिल्डिंग बी में 4 कमरे हैं। किसी व्यक्ति को यदि एक कमरा किराए हेतु चाहिए तो उसके लिए उसके पास 7+4=11 तरीके हैं। यहां पर दोनों बिल्डिंग्स अलग अलग हैं। एक कमरा बिल्डिंग ए में अथवा बिल्डिंग बी में लिया जा सकता है, अतः हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। यही सम रूल का आधार है। माना ए तथा बी दो ऐसी घटनाएं हैं जो साथ में नहीं हो सकती। यदि ए एन तरीकों से तथा बी एम तरीकों से हो सकती हो तो ए अथवा बी एन प्लस एम तरीकों से होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ग्रुप में 5 बॉयज तथा 5 गर्ल्स हैं, तो एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हमारे पास 5+3=8 तरीके होंगे। आइए प्रोडक्ट रूल को समझने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। बिल्डिंग ए में 7 फ्लोर हैं तथा हर एक फ्लोर में 3 कमरे हैं। एक व्यक्ति को किराए हेतु एक कमरा 7×3=21 तरीकों से मिल सकता है। यहां पर आप ध्यान दें तो हर एक फ्लोर में 3-3 कमरे हैं, अतः हमने 3 को 7 बार जोड़ने के बजाय सरल तरीके से 3 को 7 से गुणा किया। प्रोडक्ट रूल। माना ए तथा बी दो घटनाएं हैं। ए एन तरीकों से हो सकती है तथा हर एक इन एन तरीकों के लिए बी एम प्रकार से हो सकती है, तो ए तथा बी n×m प्रकार से होंगी। एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमें कमरे की दो दीवारें पेंट करनी हो और हमारे पास 3 कलर्स माना पीला, हरा और गुलाबी तथा एक कलर को हम एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हो, तो पहली दीवार को कलर करने के 3 तरीके तथा हर एक इन 3 तरीकों के लिए हम दूसरी दीवार को भी 3 तरीकों से कलर कर सकते हैं, अतः दोनों दीवारों को कलर करने के हमारे पास कुल 3×3=9 तरीके होंगे। आइए परम्यूटेशन को उदाहरण से समझते हैं। यदि हमारे पास 3 विषयों की हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 3 किताबें हों तो उन्हें हम अलमारी में दिखाए गए 6 तरीकों से रख सकते हैं। परम्यूटेशन। n ऑब्जेक्ट्स का किसी दिए गए ऑर्डर में अरेंजमेंट करना n ऑब्जेक्ट्स का एक परम्यूटेशन कहलाता है। यदि आप r<n> ऑब्जेक्ट्स लें तो इसे r परम्यूटेशन कहते हैं। इसे pnr अथवा npr से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। यदि हमें n में से r जगह भरनी हो तो पहले स्थान के लिए हमारे पास n, दूसरे के लिए n-1 तथा इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने पर rवें स्थान के लिए हमारे पास n-r-1 अर्थात n-r+1 तरीके होंगे। क्योंकि हर एक n तरीकों के लिए जो कि प्रथम स्थान के लिए हैं, दूसरे स्थान पर n-1 तरीके हैं, इसी तरह आगे भी हैं, अतः कुल तरीकों के लिए प्रोडक्ट रूल प्रयोग करेंगे। इस प्रकार pnr=, ऊपर अर्थात न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n होगा, नीचे डिनोमिनेटर n-r फैक्टोरियल होगा। एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमें एक 3 डिजिट्स का नंबर बनाना हो तथा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स प्रयोग हेतु उपलब्ध हो तथा किसी डिजिट को हम एक बार से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो यदि हम फॉर्मूला प्रयोग करें n=5 तथा r=3, अतः कुल नंबर p53=60।
इसे बिना फॉर्मूला के भी हम कर सकते हैं। प्रथम स्थान के लिए 5, द्वितीय के लिए 4 तथा तीसरे के लिए 3 तरीके हैं। यहाँ भी प्रोडक्ट टूल आप लगाएंगे तो 5 × 4 × 3 इक्वल टू 60, इतने तरीके आपको मिलेंगे। परम्यूटेशन विद रिपीटेशन, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को एक से अधिक स्थान पर प्रयोग कर सकते हो तो दिए गए एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशंस के लिए हर एक स्थान पर हमारे पास एन तरीके होंगे, अतः कुल परम्यूटेशंस एन रेज टू पावर आर होंगे। पुराने एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं। यदि रिपीटेशन किया जा सकता हो तो आप सीधे फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा हर एक स्थान के लिए तरीके गिनते हुए प्रोडक्ट रूल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुल तरीके 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125 होंगे। आइए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां पर आपको अतिरिक्त रीजनिंग की आवश्यकता होगी। पूर्व के उदाहरण में यदि साधारण 3 डिजिट्स नंबर न कहकर 3 डिजिट्स इवन नंबर कहें और रिपीटेशन तथा बिना रिपीटेशन दोनों केस को लें, तो पहला केस जब रिपीटेशन नहीं कर सकते, अंतिम स्थान के लिए हमारे पास दो तरीके होंगे, 2 अथवा 4। प्रथम स्थान के लिए 4 तरीके तथा दूसरे स्थान के लिए 3 तरीके होंगे, अतः कुल तरीके 4 × 3 × 2 इक्वल टू 24 होंगे। दूसरा केस जब रिपीटेशन कर सकते हो, अंतिम स्थान के लिए 2, प्रथम स्थान के लिए 5, दूसरे स्थान के लिए भी 5 तरीके होंगे, अतः कुल तरीके 5 × 5 × 2 इक्वल टू 50। एन ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशंस यदि सभी को लिया जाए, इस केस में हमारे पास आर इक्वल टू एन होगा तथा पी एन एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करने पर हमारे पास फैक्टोरियल एन तरीके होंगे। एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास 3 हिस्ट्री, 4 हिंदी तथा 5 इंग्लिश की बुक्स हैं। यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो इन किताबों को अलमारी में रखने के फैक्टोरियल 12 तरीके होंगे, क्योंकि कुल 12 किताबें हमारे पास हैं। इसी उदाहरण में यदि हम यह कंडीशन जोड़ दें, एक विषय की सभी किताबें एक साथ होंगी, तो सर्वप्रथम हर एक विषय की किताबों का एक पैकेट हमें बनाना होगा। 3 पैकेट्स को हम फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। हर एक पैकेट के भीतर फिर से हम किताबों को अरेंज कर सकते हैं, हिस्ट्री की फैक्टोरियल 3, हिंदी की फैक्टोरियल 4 तथा इंग्लिश की फैक्टोरियल 5 तरीकों से हो सकती हैं। अतः प्रोडक्ट रूल को प्रयोग करते हुए कुल तरीके फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 5। अगला उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 4 लड़के तथा 4 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाना हो तथा दिया हो कि किनारे की दोनों सीटें कोई दो विशेष स्टूडेंट द्वारा भरी जाएंगी, तो दो स्टूडेंट जो पहले से ही निर्धारित हैं उनके बैठने के फैक्टोरियल 2 तरीके हमारे पास होंगे तथा शेष 6 स्टूडेंट को बैठने के लिए 6 फैक्टोरियल 6 तरीके हमारे पास होंगे, अतः कुल तरीके फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2 होंगे। इसी उदाहरण में यदि यह दिया गया हो कि किनारे की दोनों सीटों में लड़कियां बैठेंगी, तो हमें पहले 4 में से 2 लड़कियों का अरेंजमेंट देखना होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि दो विशेष लड़कियां नहीं कहा गया है, वह कोई भी दो हो सकती हैं। 4 में से 2 गर्ल्स के अरेंजमेंट के P42 अर्थात 12 तरीके होंगे, शेष 6 स्टूडेंट के फैक्टोरियल 6 तरीके हमारे पास होंगे, अतः कुल तरीके फैक्टोरियल 6 × 12 होंगे। इसी उदाहरण में यदि यह दिया गया हो कि लड़के और लड़कियां एक के बाद एक बैठे हैं, तो पहले हमें लड़कों का अरेंजमेंट देखना होगा जो कि फैक्टोरियल 4 तरीकों से होगा। लड़कियों को एक पंक्ति में अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 तरीके होंगे, उन्हें केवल इस तरीके से बैठाना है कि हर 2 लड़कों के बीच में एक लड़की आए, क्योंकि हम लड़के अथवा लड़की दोनों में से किसी से भी पंक्ति प्रारंभ कर सकते हैं, अतः हमारे पास कुल तरीके 2 × फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4 होंगे। कॉम्बिनेशन, यदि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स का कोई सेट हो
तो आर जो कि एन से कम है, आर कॉम्बिनेशंस आर ऑब्जेक्ट का ऐसा सिलेक्शन है जहां ऑब्जेक्ट्स का क्रम मायने नहीं रखता। जैसे यदि आप सेट ए बी को लें तो ए बी बी ए दो विभिन्न परम्यूटेशंस हैं परंतु दोनों एक ही कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आर परम्यूटेशंस के फॉर्मूले में फैक्टोरियल आर परम्यूटेशंस एक ही कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करते हैं। अतः एन ऑब्जेक्ट्स में से आर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला निकालने के लिए पी एन आर को फैक्टोरियल आर से डिवाइड करेंगे। एन में से आर ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को हम सी एन आर अथवा एन सी आर से डिनोट करेंगे। तो सी एन आर की वैल्यू हमें फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर मिलेगी। एक उदाहरण लेते हैं। एक ग्रुप में चार लड़के तथा तीन लड़कियां हैं। यदि हमें तीन स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनानी हो, इसके लिए हमारे पास एन इक्वल टू सेवन आर इक्वल टू थ्री दिया हुआ है। अतः सी सेवन थ्री इक्वल टू फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल फोर तरीके हमारे पास होंगे। पूर्व के उदाहरण में यदि यह दिया गया हो कि कोई एक विशेष लड़के को हमेशा कमेटी में रखना हो, तो हम बाकी बचे हुए सिक्स स्टूडेंट में से दो को सिलेक्ट करेंगे। अतः इस सिलेक्शन के कुल तरीके सी सिक्स टू अर्थात फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल फोर होंगे। पूर्व के उदाहरण में यदि यह दिया गया हो कि कोई एक विशेष लड़के को हमेशा कमेटी से बाहर रखना हो, तो हम बाकी बचे हुए सिक्स स्टूडेंट में से थ्री को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास सी सिक्स थ्री फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री तरीके होंगे। पूर्व के उदाहरण में यदि यह दिया गया हो कि कमेटी में दो लड़कियां होनी चाहिए, तो तीन में से दो लड़कियां तथा चार में से एक लड़के को सिलेक्ट करेंगे। अतः कुल तरीके सी थ्री टू इंटू सी फोर वन इक्वल टू थ्री इंटू फोर अर्थात 12 होंगे। पूर्व के उदाहरण में यदि यह दिया गया हो कि कमेटी में कम से कम दो लड़कियां होनी चाहिए, तो हम सर्वप्रथम वो केसेस देखेंगे जहां ऐसा संभव है। केस वन, दो लड़कियां और एक लड़का हो। इसके लिए हमारे पास सी थ्री टू इंटू सी फोर वन अर्थात 12 तरीके होंगे। केस टू, थ्री लड़कियां जीरो लड़के, और इसके लिए हमारे पास सी थ्री थ्री इंटू सी फोर जीरो इक्वल टू थ्री तरीके होंगे, क्योंकि या तो केस वन या फिर केस टू ही संभव है। अतः सम रूल को हम यहाँ पर लगाएंगे। इस प्रकार हमारे पास कुल तरीके 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 होंगे। पूर्व के उदाहरण में यदि यह दिया गया हो कि कमेटी में अधिक से अधिक दो लड़कियां हों, तो फिर से हम अलग अलग केसेस बनाएंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे तथा अंत में सम रूल को लगाएंगे। केस वन, दो लड़कियां और एक लड़का, कुल तरीके हमारे पास है 12। केस टू, वन गर्ल एंड टू बॉयज, कुल तरीके 18। केस थ्री, जीरो गर्ल एंड थ्री बॉयज, कुल तरीके इसके 4। अतः इन सबको आप सम रूल लगा के ऐड करेंगे तो कुल तरीके 34 आपको मिलेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल एक सामान्य सा लगने वाला परंतु एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि हमारे पास एन पिजन होल्स हैं तथा एन प्लस वन पिजन्स को एन पिजन होल्स में रखना हो, तो कम से कम एक पिजन होल में दो अथवा अधिक पिजन्स होंगे। इसे इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि एन पिजन होल्स दिए हों तथा एक पिजन होल में दो या ज्यादा पिजन्स आए, तो इसके लिए कम से कम एन प्लस वन पिजन्स होने चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमें किसी क्लास में न्यूनतम स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी हो जबकि कम से कम दो स्टूडेंट्स का जन्म महीना एक सा हो, तो यहाँ पिजन होल्स जन्म महीने होंगे जिनकी संख्या 12 है, अतः एन इक्वल टू 12। अतः न्यूनतम स्टूडेंट की संख्या एन प्लस वन 12 प्लस वन इक्वल टू 13 होगी। जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। यदि हमारे पास एन पिजन होल्स हैं तथा के एन प्लस वन पिजन्स को एन पिजन होल्स में रखना हो, तो कम से कम एक पिजन होल में के प्लस वन या उससे अधिक पिजन्स होंगे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं यदि एन पिजन होल्स दिए हों तथा एक पिजन होल में के प्लस वन या अधिक
पिजेंस आए तो इसके लिए कम से कम एन के प्लस वन पिजेंस होने चाहिए। पूर्व के उदाहरण में यदि हम यह कहें कि कम से कम चार स्टूडेंट का जन्म महीना एक सा हो तो के प्लस वन इक्वल टू फोर अर्थात के इक्वल टू थ्री तथा एन इक्वल टू ट्वेल्व अतः न्यूनतम स्टूडेंट की संख्या के एन प्लस वन इक्वल टू 37 होगी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेट थ्योरी में हमने देखा था कि यदि हमारे पास कोई दो सेट ए तथा बी हो तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि हम इन सेट्स को घटनाओं के रूप में देखें और यदि दोनों घटनाएं ए तथा बी साथ साथ हो सकती हो तो इस नियम से ए अथवा बी के होने के तरीके ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एन ए ए के होने के तरीके, एन बी बी के होने के तरीके तथा एन ए इंटरसेक्शन बी ए तथा बी दोनों के साथ साथ होने के तरीके हैं। एक उदाहरण लेते हैं, एक इक्का अथवा पान का पत्ता निकालने के तरीकों को हम देखें तो इसे हम ए तथा बी, ए इक्के के लिए तथा बी पान के पत्ते के लिए घटनाओं से दिखा सकते हैं। यहां पर एन इक्वल टू फोर, एन बी इक्वल टू 13, क्योंकि ताश की गड्डी में चार इक्के तथा 13 पान के पत्ते होते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, क्योंकि एक इक्का पान का पत्ता भी होता है। अतः एन ए यूनियन बी इक्वल टू 4 प्लस 13 माइनस 1 इक्वल टू 16। इतने तरीके हमारे पास होंगे। इस लेक्चर में हमने काउंटिंग के सामान्य तरीके, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल तथा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन सीखा। अगले लेक्चर में हम डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन और जेनेटिंग फंक्शन सीखेंगे। धन्यवाद।